गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल काजल फैशन रिव्यू में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। तो ये मेकअप मैंने ट्राई किया है, आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। होप आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल जरूर क्लिक करें कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड प्लीज इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो करें। तो ये मेकअप लुक जो भी मैंने क्रिएट किया है विदाउट फाउंडेशन है। तो ये मेकअप लुक आप कैसे अचीव कर सकते हो, तो वीडियो देखने के लिए प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, कोई भी स्टेप बिल्कुल मत छोड़ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने मॉइस्चराइज़र के साथ। तो फेस पे मेकअप से पहले मॉइस्चराइजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो चाहे या फिर ड्राई हो। तो यहाँ पे मैं अपना फेवरेट मॉन्स का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। ये काफ़ी लाइट जेल मॉइस्चराइज़र है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप ड्राई स्किन भी है तो भी आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ NY का प्राइमर। तो NY का प्राइमर बहुत ज़्यादा सस्ता मिलता है, आप चाहो तो ज़रूर ट्राई कर सकते हो एंड बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। एंड तो इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पे मेकअप से पहले फेस को अच्छी तरीके से रेडी कर देता है। देन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कंसीलर। तो कंसीलर मैं सिर्फ यूज़ करूँगी, फाउंडेशन यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी। तो मैं कंसीलर को लिटिल बिट वहीं यूज़ करूँगी जहाँ मुझे लगता है कि इसकी नीड है। आई एरिया पे तो आपको चाहिए ही, वरना आपका जो आई शेडो है वो अच्छी तरीके से नहीं आएगा। एंड मुझे जहाँ लग रहा है कि ब्लेमिश है या फिर ऐसा कुछ है तो वहाँ पर मैं इसको अच्छी तरीके से अप्लाई कर लूँगी। तो यहाँ पर कंसीलर ही मेन है, तो यहाँ पर मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया है। एंड अब ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको अच्छी तरीके से अप्लाई करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया हुआ है, आप चाहो तो ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरीके से मैं अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। एंड ये बहुत ब्यूटीफुल तरीके से अच्छे से कवर कर ले रहा है, आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से ये कवर कर रहा है। तो मैं यहाँ पे ब्रश इतनी रिकमेंड नहीं करती हूँ क्योंकि ब्रश बहुत सारा प्रोडक्ट अब्जॉर्ब करता है एंड ब्लेंडर उतना नहीं करती है। तो अपने नेक एरिया पे ज़रूर मत भूलें, अच्छे तरीके से अप्लाई करें। इसके बाद मैं फेस कैनेडा का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ अपने फेस को सेट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरीके से अपने क्रीज लाइन आई एरिया यानी फुल फेस पे मैं इसको अच्छी तरीके से अप्लाई करने वाली हूँ। आप देख सकते हो किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे हमने फाउंडेशन यूज़ नहीं किया है। तो मेक श्योर कि आप कंसीलर एंड कॉम्पैक्ट पाउडर का अच्छे तरीके से यूज़ करें। तो यहाँ पे ज़्यादा सेट हो चुका है एंड ज़्यादा पाउडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैं अपना फिल करूँगी अपने आईब्रोज़ को। आईब्रोज़ के लिए मैं कोई भी आई शेडो पैलेट में से कोई भी ब्राउन और ब्लैक कलर मिक्स करके अप्लाई कर लेती हूँ। तो इसका कोई झंझट नहीं, आप चाहो तो अपने आई शेडो पैलेट से अगर आपके आईब्रोज हल्के तो ब्राउन, अगर डार्क है तो ब्लैक यूज़ कर सकते हो आप। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ अपनी लेडी एरिया पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे ब्लैक स्मोकी आई मेकअप चाहिए। तो यहाँ पे मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं मेबलिन का कोलोसल काजल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो कोई भी ब्रांड का काजल यूज़ कर सकते हो। बस आपको इसमें ज़्यादा साफ़ सफाई की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा मेस भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं है क्योंकि हमें इसको मेस करना ही है अभी थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे मैं काजल को अप्लाई कर ले रही हूँ, आप देख सकते हो किस तरीके से मैं अप्लाई कर रही हूँ। बस जो इनर कॉर्नर उसके बाहर नहीं जाना चाहिए ना आउटर कॉर्नर के बाहर जाना चाहिए, बस आपकी लीड एरिया पर है जहाँ आप लाइनर अप्लाई करते हो। तो एंड मैं इसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ अप्लाई करती जा रही हूँ काजल को, ये थोड़ा थिक हो जाए। तो आप देख सकते हो कि मैं आराम आराम से कर रही हूँ कि कॉर्नर से बाहर ना चला जाए। एंड इसके बाद मैं ब्लैक आई शेडो लेके इसी काजल के ऊपर अच्छी तरीके से इसको डैप करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हो किस तरीके से मैं यहाँ पे डैप करूँगी। तो यहाँ पे मैं ब्लैक काजल को इसके ऊपर अप्लाई कर लूँगी अच्छी तरीके से। एंड इसको अप्लाई करते करते मैं इसको थोड़ा ऊपर की तरफ थोड़ा शेप देने शुरू कर दूँगी। तो ब्लैक शेडो आपको इसके ऊपर अप्लाई करना है, तो ये अच्छी तरीके से काजल को बेक भी कर देगा एंड आपका जो शेडो है वो बहुत ज़्यादा प्यारा दिखने वाला है। तो यहाँ पे ब्लैक शेडो लेके मैं इसको अब स्मज करना शुरू कर रही हूँ। तो स्मजिंग में थोड़ा धीरे धीरे करूँगी कि ऊपर की तरफ जाए, बट लीड एरिया के ऊपर ना जाए, मतलब क्रीज तक बिल्कुल ना जाए, उसके अंदर ही रहे। तो यहाँ पे मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ ऊपर की तरफ कि क्रीज लाइन से ज़्यादा ना जाए। तो आप देख सकते हो आराम आराम से करना है। देन आपको एक साफ ब्लेंडिंग ब्रश लेनी है, उसमें से ब्लैक आई शेडो पिक करना है एंड आप इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लो।
तो ब्लेंडिंग आपको आउटर से इनर करनी, इनर से आउटर करनी है, ठीक है। इसके बाहर नहीं जाना चाहिए आपका आई शेडो, वरना बहुत गंदा दिखेगा। तो मेक श्योर कि आप इसमें आराम से टाइम लें एंड आई शेडो को आराम से अप्लाई करें। तो आउटर कॉर्नर टू इनर कॉर्नर आपको आराम आराम से इसको ब्लेंड करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं किस तरीके से यूज़ कर रही हूँ। कोई हार्श लाइन नहीं रहनी चाहिए, मतलब जो आपका काजल है उसकी कोई लाइनिंग नहीं दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत अच्छी तरीके से यू नो ये ब्लेंड हो गया है। देन यहाँ पे मैं उसी तरीके से अपने सेकेंड आईज पे भी इसी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। काजल अप्लाई करके ब्लैक शेडो अप्लाई किया एंड उसके बाद उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ। अगर यहाँ पे थोड़ा मैस हो जाता है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, ये सब हम बाद में अच्छी तरीके सेट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं एक डार्क ब्राउन कलर लेके अच्छी तरीके से क्रीज एरिया पे अब इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ ब्लेंडिंग ब्रश के साथ। आप देख सकते हो किस तरीके से कर रही हूँ। आराम से आपको डार्क ब्राउन कलर लेना है एंड उसको अपनी क्रीज लाइन पे अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है। तो यहाँ पे मैं ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दी हूँ एंड अब उसी ब्रश की हेल्प से मैं अपने इनर कॉर्नर के पास से लेकर लोअर लैश लाइन पे भी अच्छी तरीके से स्मज कर लूँगी। स्मज करने के बाद यहाँ पे मैं काजल अप्लाई कर ले रही हूँ अपनी लीड पे। तो काजल आप कोई भी अप्लाई कर लो। तो यहाँ पे मैंने अपने लीड पे काजल अप्लाई कर लिया है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से मैं अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं लाइनर यूज़ करूँगी, NY का ब्लैक आई लाइनर। ये मेरा बहुत फेवरेट है, बहुत सस्ती मिलती है एंड ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद है। एंड ये जेट ब्लैक में आती है तो ये काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट है, ये आपको पर्पल पे आराम से मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं लाइनर को विंग लाइनर में ड्रॉ करूँगी। मैं सिंपल लाइनर ड्रॉ नहीं करूँगी, मैं विंग लाइनर अच्छी सी विंग लाइनर यू नो थिक में अब यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरा लाइनर यू नो कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे मैंने लाइनर ड्रॉ कर ली है एंड सेकेंड आइज पे भी मैं इसी तरीके से एक अच्छा सा विंग लाइनर क्रिएट कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कोलोसल का मस्कारा यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आज सिर्फ एक ही कोट यूज़ करूँगी, ज़्यादा कोट यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मुझे आई लैशेज अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं आई लैशेज लगाने से पहले मैं मस्कारा यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना आई लैशेज यूज़ मैंने कर लिया, आप देख सकते हो। तो इसके बाद मैं यूज़ करूँगी हाईलाइटर। तो मैं यहाँ पे हाईलाइटर के लिए शिवाना कलर्स का हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ एंड इसमें से मैंने गोल्डन कलर पिक किया है, गोल्डन पिंकिश कलर है समथिंग कुछ इस तरीके से, या फिर आप रोज़ गोल्ड कलर भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने हाइलाइटर को अपने आईब्रो बोन पे अच्छी तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हो किस तरीके से अपने आईब्रो बोन पे मैं अच्छी तरीके से अप्लाई कर लूँगी हाइलाइटर को। एंड इसके बाद सॉरी मैं नोज़ पर करने वाली थी बट उसको आपको आईब्रो बोन पर करना है। यहाँ पे मैं आईब्रो बोन पर अच्छी तरीके से अप्लाई कर लिया एंड अब बात आती है इनर कॉर्नर की। तो इनर कॉर्नर पे भी मैंने सेम ही हाइलाइटर से यू नो इसको अच्छी तरीके से मैं हाईलाइट कर रही हूँ अपने आईज़ को। तो आपको जो भी करना है आपको आराम आराम से करना है। तो यहाँ पे मैंने इनर कॉर्नर पे अपना हाइलाइटर यूज़ कर लिया, आप देख सकते हो किस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने आई मेकअप मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। देन इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ अपना ब्लश। तो यहाँ पे मैं आज थोड़ा हेवी ब्लश यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं दिख नहीं रहा है, अगर हाँ अब आपको दिख गया जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने कैमरा थोड़ा ज़ूम आउट कर लिया है। तो यहाँ पे अब मैं अपना ब्लश यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैं डार्क पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ ब्लश के लिए क्योंकि ये वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक है। तो ये आप डे या नाइट में आप कभी भी इसको अप्लाई कर सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल लगने वाला है। तो यहाँ पे मैंने ब्लश अप्लाई कर लिया, आप देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल कलर है यार, बहुत ज़्यादा सटल कलर है, मतलब बहुत बहुत प्यारा कलर निकल के आता है, बहुत ज़्यादा प्यारा कलर निकल के आता है। देन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कॉन्टोर। अगर आपके पास स्पेशली कोई कॉन्टोर नहीं है
तो आप क्या कर सकते हो, अपना आई शेडो पैलेट में से डार्क ब्राउन कलर या डार्क कोको कलर आप पिक करके उसको एज अ कंटूर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कंटूर हेवी नहीं रखूँगी, थोड़ा लाइट ही रखूँगी, तो यहाँ पे मैं कंटूर यूज़ कर ले रही हूँ एंड इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी। तो आप देख सकते हो कि ज़्यादा मैंने डार्क कंटूरिंग नहीं की है, तो यहाँ पे मैं कंटूर यूज़ कर ले रही हूँ एंड इसको ब्लेंडिंग इज़ द मस्ट। तो कंटूर करने के बाद आपको ब्लेंडिंग इसको अच्छी तरीके से करना है, बट आपको इसको ऊपर के साइड पे करना है, नीचे नहीं करना है, तो ये बहुत गंदा दिख जाएगा अगर आपने नीचे कर दिया। तो आपको जिस एरिया में आपने कंटूर किया इसको ऊपर के साइड में आपको अच्छी तरीके से यू नो ब्लेंड करना है। इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरीके से बेक करूँगी। तो यहाँ पे आप अगर आपके पास बनाना पाउडर है या फिर लूज पाउडर है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल अपना कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से यू नो कॉम्पैक्ट लेके इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर रही हूँ कि इसको अच्छे तरीके से मैं यू नो हाईलाइट करूँ अपने कॉन्टोर को। तो यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से यू नो इसको अच्छे तरीके से बेक कर लूँगी। इसके बाद मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। हाइलाइटर के लिए मैंने सेम हाइलाइटर से यूज़ करी जो मैंने अपने आईब्रो बोन पे यूज़ किया था शिवाना का। तो यहाँ पे बहुत प्यारा देख सकते हो कितना सटल कलर आ रहा है, बहुत ब्यूटीफुल कलर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं हाइलाइटिंग कर लूँगी अपने चीक बोन्स, टिप ऑफ द नोज, चीन एरिया एंड आईब्रो के पास मैं हल्का फुल्का इसको यूज़ करने वाली हूँ। तो आपको जब भी हाइलाइटर यूज़ करना है आपको अपर साइड की साइड में यू नो लिफ्ट करते हुए आपको यूज़ करना है एंड आपको टिप अपने नोज़ पे भी यूज़ करना है, पर ज़्यादा ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने हाइलाइटर यूज़ कर लिया है। देन मैं यहाँ पे अपने ग्लैम अप का फिक्सिंग स्प्रे यूज़ करने वाली हूँ फेस पे। तो यहाँ पे मैं अपना सेटिंग स्प्रे यूज़ कर लूँगी अच्छी तरीके से, ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूई लुक देता है एंड इसकी शाइनिंग पावर थोड़ा ज़्यादा ही है। इसके बाद यहाँ पे मैं नायका का मोल्टन लिप ग्लॉस यूज़ कर रही हूँ। तो ये बहुत प्यारा कलर है, बहुत ज़्यादा प्यारा कलर है, तो इसको मैं अच्छी तरीके से अप्लाई कर लूँगी। तो ये थोड़ा ड्राई होने में थोड़ा टाइम लेता है एंड मुझे इसको थोड़ा सेटल डाउन भी करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, एक कॉटन पैड लूँगी एंड इसको अच्छी तरीके से डैप डैप कर लूँगी कि इसका जितना भी मॉइस्चराइज़र है एंड इसका जो कलर है थोड़ा डाउन हो जाए, क्योंकि मुझे थोड़ा ही कूल डाउन चाहिए क्योंकि मेरा जो आई मेकअप है वो हेवी एंड डार्क है। तो मैं अब अपने ग्लॉस को मैं अच्छी तरीके से डैप डैप कर रही हूँ कि इसका जो हाफ कलर है वो निकल जाए। तो ये देख सकते हो कितना प्यारा कलर लग रहा है। अब मैं मिलती हूँ अपने कपड़े।